गंगा के बारे में तो ना बोलूं तो बेहतर है सर, क्योंकि मैं समझता हूं विद्यार्थी जीवन से सुन रहा हूं कि गंगा साफ हो रही है, कि वाटर बॉर्न डिजीज को लेकर के कहीं एक प्रोपेगेंडा खास किस्म का तो नहीं चल रहा है, ताकि आरओ बिकता रहे, कैंट बिकता रहे। नदियों को जोड़ने वाली बात कई वर्षों से सुना जा रहा है, लेकिन कब जुड़ेंगी? अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए ये आवश्यक है कि ये मौलिक मूलभूत चीजें इन ढांचों पर भी काम किया जाए। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता कई वक्ताओं ने कुछ बातें जो परिप्रेक्ष्य में रखी हैं उसको मैं थोड़े सीमित संदर्भ में अपनी बातें रखूंगा। बहरहाल शुरू करने से पहले बताऊं कि पानी की जाति होती है, बाबा साहब बता गए थे, अब पानी का धर्म भी हुआ है, हाल में एक बच्चे ने बता दिया। सर, नदियों को जोड़ने वाली बात कई वर्षों से सुना जा रहा है, लेकिन कब जुड़ेंगी? कब हम इससे निजात पाएंगे? क्योंकि नदियों को जोड़ने से कई जो सालाना दिक्कतें हैं आप उससे निजात पा सकते हैं। अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि ये मौलिक मूलभूत चीजें इन ढांचों पर भी काम किया जाए। नंबर एक सर। नंबर दो सर, 60% से ज्यादा वो जो कहते हैं अवेलेबल नेट एनुअल ग्राउंड वाटर, इट इज बीइंग यूज्ड, लेकिन कई इलाके हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जहां 100% सरपास हो गया है। हमारे लिए इन राज्यों में, इन इलाकों के लिए क्या हमारी नीति आने वाले दिनों में होने वाली है, ये महत्वपूर्ण है। वाटर क्राइसिस के बारे में हमारे तमाम साथी बता चुके हैं, मैं इस पर कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ सुझाव दिए हैं। 5 सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो सेटिंग वाटर प्राइसेस ऑन ग्रेडेड बेसिस से लेकर के रीयूज ऑफ ग्रे वाटर तक है, 5 महत्वपूर्ण बिंदु। मेरा अपना मानना है और मेरे दल का मानना है, माननीय उपसभापति महोदय, कि ग्राउंड वाटर के यूज में इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं, जो बड़े 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 निजाम हैं, उनके लिए कुछ अलग नीति तय हो, क्योंकि अक्सर वो हवाला दे करके और इस चीज़ से एक तरह से इसको मैनिपुलेट करते हैं, जो कि संदेश अच्छा नहीं जाता है। कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को लेकर के मैं, माननीय मंत्री जी होते तो मैं कुछ इलाकों का बताता। मैं कोसी के इलाके से आता हूँ, बगल में सीमांचल है, सीमांचल और कोसी से जो एम्स में मरीज आते हैं, अगर आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे सर, 90% ऑफ देम एक्चुअली कैरी वाटर बॉर्न डिजीज। मुझे स्मरण है कि एक बार चुनाव प्रचार में हम लोग गए थे, नेता प्रतिपक्ष और 10 हमारे और विधायक, और सब के सब वहाँ बीमार पड़ गए थे सिर्फ पानी की वजह से। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटर पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज और ये जो इस तरह के डिजास्टर हो रहे हैं, उनको लेकर के भी सिवाय रेटोरिकल चीज़ों के कुछ एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान ज़मीन पे नहीं आ रहा है। और कई सारे मसले हैं उसमें भी, जैसे एक्विजिशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड, लीगल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज साल दर साल पेंडिंग रहते हैं। गंगा के बारे में तो ना बोलूं तो बेहतर है सर, क्योंकि मैं समझता हूं विद्यार्थी जीवन से सुन रहा हूं कि गंगा साफ हो रही है, और सोचते थे कि हम लोग कभी फिर से वो गाना गाएंगे, गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए, ऐसा हो नहीं रहा है सर। सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, गंगा मैया हाथ जोड़ के कहती रही हैं, लेकिन कुछ उस पर मैं समझता हूं कि सिवाय फिर रेटोरिक एक हॉलो सिंबॉलिज्म से ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ रही है। मैं समझता हूं ये गंगा को भी हम बहुत अच्छा, हमारे सदन में रेवती रमन सिंह जी हैं, जो हर वक्त हर सत्र में गंगा को लेकर के सवाल उठाते हैं। ये मैं समझता हूं कि ये रिजॉल्व होना चाहिए। और एक दो छोटी टिप्पणी, मैंने पहले भी कहा था सर कि कई राज्यों में, और मेरा राज्य उसमें से एक है, जहाँ बाढ़, मतलब एक उसने पैटर्न बना लिया है, बाढ़ का एक कैलेंडर सा हो गया है सर। और एक जो सबसे खतरनाक चीज़ है उसमें, कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फ्लड, उसमें सर एक पूरा सिंडिकेट काम करता है ऊपर से नीचे तक, तो कई लोग इंतज़ार करते हैं बाढ़ आने का और बाढ़ लाने का दोनों, और उसमें क्या है कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, सबके बीच में एक नेक्सस ऑपरेटिव रहता है। जल शक्ति मंत्रालय का ये भी दायित्व होना चाहिए कि इस तरह की पॉलिटिकल नेक्सस, इस तरह के सिंडिकेट को ख़त्म किया जाए। और एक बार पहले भी मैंने कहा था सर इसी सदन में कि नेपाल के साथ जो हमारे ट्रीटी का हिस्सा है, दोनों जगह बड़े खूबसूरत बल्कि आलिशान बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन उसमें लोग भी हैं, उनको तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन एक ढेले का काम अब तक नहीं हुआ। केंद्र की सरकार को इंटरवीन करना होगा और ये तय करना होगा सर
कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो जिन पर इतने वर्षों से बात हो रही है, वो ज़मीन पे उतरे। बहरहाल मैं माननीय मंत्री महोदय है नहीं, अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, वो असल में संसाधन से शक्ति तक की यात्रा में ना बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा सर कि अगली बार जब हम जल शक्ति मंत्रालय पे बात करें, ये सारी चीज़ें दोहराई ना जाए। उसके लिए आवश्यक ये है कि हमारे जो कमिटमेंट है, हमारा जो एजेंडा है, उसको कितने ड्यूएबल तरीके से हम ज़मीन पे उतारते हैं, ताकि ये हर घर नल का जल या शुद्ध पेयजल, ये देखना होगा। और एक आखिरी टिप्पणी करके ख़त्म करूंगा मैं, स्मरण के इस सदन में बहुत सारे लोग जो 55-60 से ऊपर के होंगे, मैं अपने को उसमें शुमार करता हूँ। मेरा मानना है कि सर हम लोग चापाकल का पानी पीते थे, चापाकल का पानी पी के बड़े हुए, फिर अचानक में मिनरल वाटर आया। मैं उस दौर में विद्यार्थी था कि हमने मिनरल वाटर के खिलाफ आंदोलन चलाया। आज हम सबके हाथ में मिनरल वाटर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा कि वाटर बॉर्न डिजीज को लेकर के कहीं एक प्रोपेगेंडा खास किस्म का तो नहीं चल रहा है, ताकि आरओ बिकता रहे, केंट बिकता रहे, और तमाम और मैं नाम दो एक दो के ले रहा हूं, और शुद्ध पेयजल के नाम पर एक आम इंसान। और मैं कहूंगा कि मेरा गांव एक पिछड़ा इलाका है, मुझे ताज्जुब हुआ इस बार कि मेरे गांव में बिस्लरी की बॉटल और 5 लीटर 10 लीटर का वो पूरा चल रहा है सर। तो ये मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस दिशा में हम जा रहे हैं। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद प्रोफेसर। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।